समाजसेवी और क्षेत्रीय नेता मृणाली सिंह सेंगर ने भोपाल में मीडिया से चर्चा की और देश में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर विरोध जताया। उन्होंने कहा, देश में महिला को हर सुविधाएं देने की बात की जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं लेता। यही कारण है कि महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही। पिछले दिनों जो पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ हुआ, सब जानते हैं, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई, ये बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में फ्री स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय हर वर्ग को मिलना चाहिए। मृणाली सेंगर ने भोपाल के सिटी अस्पताल में हुई दुर्घटना पर भी नाराजगी जताई। उस पे सीएम वहाँ पे मार्च पास निकाल रही है, उन्हें मार्च पास निकालने की जरूरत है, कोई इसकी आवश्यकता है? वो सीएम है, वो उनकी राज्य की पुलिस क्या कर रही है कि वो सीबीआई को उस केस को सौंपना चाह रही है? ऑन द स्पॉट इस तरह के मामलों का फैसला होना चाहिए। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोग इसके कुछ दिनों के लिए निकालते हैं, मार्च पास कर दिए, कैंडल कर दिए, वगैरह वगैरह। मुझे लगता है इन सबको करने से बेहतर है कि इसमें एक बहुत अच्छा तगड़ा स्टेप लेना चाहिए और उन्हें तुरंत ऑन द स्पॉट इन्हें सजा देनी चाहिए, तुरंत देनी चाहिए। इन्हें जेल में रख के हमारे टैक्स के पैसों को वो खिला रहे हैं। इस तरह के क्रिमिनल्स लोगों को बैठ के पाल रही है सरकार, क्यों पाल रही है? इसके लिए कड़ा स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट को, यही बोलूंगी, कड़े स्टेप लेना चाहिए। इन्हें तुरंत फांसी देनी चाहिए, सजाए मौत देनी चाहिए। आप सोचिए कि कितना बड़ा मुद्दा है वेस्ट बंगाल का जुआ है, और ये एक ही घटना नहीं है। जहाँ मैंने पढ़ा था अभी कहीं पर 80 जो रिकॉर्डेड है, 80 रोज रेप केस होते हैं। टिहोरी ने कि रेप हुआ है, तो बस उन्हें तुरंत ही इस तरह का फैसला लेना चाहिए और उन्हें सजाए मौत देनी चाहिए।